मोदी जी दुनिया में एक नंबर का अगर झूठा कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। ये वही मोदी है जो कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। इस नाते साथियों याद रख लेना, भारत का जो संविधान, जो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का योगदान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बदौलत जो संविधान हमको मिला है, उस संविधान को बचाना है और देश की संबंधित संपत्ति बिकने से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तभी हमारी संपत्ति, हमारा संविधान बचेगा। को हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी। ये हम लोगों को पढ़ा दिया गया, यहां जितने लोग इकट्ठे हैं आप बताओ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के विषय में, इनकी जीवनी के विषय में कितने लोग जानते हो? अब सोच लो इतनी संख्या में दो तीन लोग हाथ उठा रहे हैं। जो अपने बाप को बाप ना कहे, दूसरे के बाप को बाप कहे, तो बताओ विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी? ये वो महापुरुष हैं, जब संविधान सभा की कमेटी बनाई गई, उस संविधान सभा के प्रतिनिधि मेंबर बनाए गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, आप उस कमेटी के सदस्य बनाए गए। और आप और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने मिलकर आज जो देश चल रहा है संविधान से, उस संविधान में बड़ा योगदान डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का है। लेकिन यहां क्या है, कदर नहीं, इंसानों की पूजा होती है, बेईमानों की। अब आप बताओ यहां कितने लोग हो जो भगवान राम को जानते हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग जानते हो, राम रावण को जानते हो, कौरव पांडव को जानते हो, अलाउद्दल इंदल रुपवा बेलवा चनवा को जानते हो, लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को नहीं जानते। इन्होंने आपके लिए काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए काम किया, हम इनको नहीं जानते। लेकिन राम और रावण की लड़ाई के करे बदे भाई लो, राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई? बोला तई राम रावण की लड़ाई सीता मेहरारू बदे, बोलो गलत कह रहा हूं? राम रावण की लड़ाई बताओ देश के लिए हुई है क्या? सीता के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए, आला उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए, इनका लोगों का रामायण लिखा गया, ग्रंथ बन गया। लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार ने तुझे अधिकार दिलाने के लिए, तेरे बेटे को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने के लिए संविधान में योग दिया, लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। इसी बात को लेकर हम लोग परेशान हैं, इसी नाते हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, चद्दर ओढ़ के सुतल हुआ था रात में, नींद खुल गई अगर उठ गए तो सवेरा है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इतिहास है देश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1984 के पहले 5% लोग जानते थे, लेकिन धन्य है मान्यवर कांसीराम जी, पंजाब की धरती से आए और आज ऐसा बिगुल उन्होंने बजाया कि पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानने लगे, बच्चा बच्चा जानने लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। ये मान्यवर कांसीराम जी की पहल थी। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप घबराओ नहीं, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानेगा, इसकी जिम्मेदारी। भाई प्रेमचंद प्रजापति, हमारे महेश प्रजापति, रमेश प्रजापति जैसे तमाम नौजवान अब उठा लिए। आप बताओ
अब इनकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चर्चा करोगे? अपने अपने घरों में संतराम बीए जी हो, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी हो, इनकी फोटो अपने घर में लगाओ। आपका बच्चा पूछेगा कि ये क्या कर फोटो बा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तब आप उनको बताना शुरू करो इनके विषय में। इस नाते साथी हमारे के घरे में फोटो के करवा, राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, यह ना फोटो बा। बहुत जोर लगाई ला तो हनुमान जी का, यह ना बा। अबे सुन ले हो बा, हमरे योगी जी बाबा सूबे का मुख्यमंत्री भगवानों के बाटे चला, कहला हनुमान दरिद्र हम, बोला कले ना कि ना कले ना। मध्य प्रदेश गई भाषण देवा तो कहला कि हनुमान जी दलित हुआ, हनुमान जी दलित हुआ तो उड़ो लोगों को बता दे कौन बिरादर हुआ। लेकिन खर जाए दा उनसे हमसे ना मतलब, मतलब यहाँ बा, यहाँ हम लोग आयल है। आज जयंती के अवसर पर हम 5-6 बिंदु पर आपसे चर्चा करब। आप लोग मेहनत करके कोई धान काट के आयल बा, कोई धान पीट के आयल बा, कोई आलू का खेत तैयार करके आयल बा। हम लोग मेहनत कस खेतों में काम करने वाले लोग हैं। आप लोग सोचत होगा कि ओम प्रकाश राजभर बढ़िया नेता बा, हम हूं यह कमवा करत रहे। धान का रोपाई, धान का कटाई, धान का पिटाई, गेहूं की बुआई, गेहूं की कटाई, चना मटर आलू, यह हम भी खेती करते। लेकिन एक घटना ऐसी घटी हमारे साथ, जैसा जिक्र हमारे भाई रमेश जी कर रहे थे, हमारे भाई प्रेमचंद जी कर रहे थे, कि समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोलता है। हमारे भी समाज के लीडर थे, हमने कहा घबराओ नहीं, हम निकल रहे। आज बताओ यहां जितने लोग हो, हम तो आपके कौशाम्बी में 3 बार आए हैं जब मंत्री था तब, और बहुत से यहां लोगों से नई मुलाकात। हमारी लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो जरा हाथ उठाओ। अच्छा चलो भाई, जब आप लोग संतुष्ट हो तो देखो आगे क्या होगा। अभी अभी 27 अक्टूबर को मऊ की धरती हलधरपुर में हमने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। गठबंधन के बाद सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। ये काहे पीड़ाता है रहने का, ये रहने के काहे पीड़ाता जानत हुआ? 60 पैसा यूनिट बिजली खरीदत हुआ सर, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के हमने के 7 रुपया देहात में, गांव में, और 8 रुपया शहर में बेचत हुए। तो बोला अन्याय हो कि ना हो? अन्याय हो ना? हम लोग एक गोल बनौले है बाबूराम पाल प्रेम प्रजापति, राम सागर बीन, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, किशोरा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे, हम तमाम लोग मिलके गोल बनाए भागीदारी संकल्प मोर्चा। हम लोग तय कहले भाई 22 में सरकार बनी, 27 तारीख का एक छोटहर कार्यक्रम कहले ही बलिया मऊ में, बोला ओकर हलचल हो कि नहीं, इधर चर्चा हो ना? अब देखा 22 में सरकार बनी तो का हुई, यहाँ जितना जने हुआ के बिजली के बिल से परेशान होते हाथ उठावा। सब लोग परेशान है। ये देखा भाजपाई वाले हमने के बीच में ऐलन, बीजेपी वाले हमने के बीच में ऐलन, कलन फ्री में मीटर लगत था बिना पैसा का, तो हमनु अपने अपने घर में लगवा ले ली, फ्री में ना लगल बा। अब फ्री में भैया लग गए, और जब लगा के कुल खाली हो गई लन, तो बिल कहां से आवत हो? कोई फ्री वाला मीटर बस नहीं आवत हो? बोला बिल जो हमने के ना आवत हो वही फ्री वाले मीटर से आवत हो, तो हम तो घूमत है आज कौशाम्बी में है। हम ही कहत है खाली थोड़ी सा मदद करा, इनकर मीटर आपके घरे से उखाड़ के ट्रक पर लाद के गंगा जी में बहा दूंगा।
आप सोचबे कि कैसे होई, आपके दिमाग में होई कि कैसे होई। दिल्ली में छोड़ दा दिल्ली, 1,00,000 करोड़ रुपया गुजरातीन का कर्जा मोदी जी माफ कैलन। 1,00,000 करोड़ रुपया गुजरातीन का मोदी जी माफ कैलन। एक एक जने का कोई का 500 करोड़, कोई का 800 करोड़, कोई का 1,000 करोड़, कोई का 1,500 करोड़। एक एक जने का इतना इतना रुपया मोदी जी माफ कर दिया। कैसे माफ कैलन? जब हम अने वोट दिली तब ने, हम अने के वोटवा से ने माफ कैलन है। हम लोग वोट न दिले हुई तो बोला प्रधानमंत्री बनतन न बनतन। जब ये वोट से गुजरातीन का कर्जा माफ कर सकलन, आए पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों अपना वोट इकट्ठा करो, 22 में सरकार बनाओ। हम क्या करें? 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दूंगा जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन से। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? तो कितना जने माफ करावल चाहते हैं? तो माफ तो सब लोग करावल चाहते हैं, लड़ाई के लड़ी लड़ाई सब लोग लड़वा। अब दूसर काम देखा हम लोग का करो। ये देश में भारतीय जनता पार्टी का लोग हम आने के पढ़ावत हुए पाठ 16 दुनी 8। तो बोला 16 दुनी 8 हुई कबो हुई? 16 दुनी 32 हुई। तब प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, अब हमने मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दुनी 32। बोला हुई कि ना हुई? अब का हुई आगे? ये हमने से का कहलन भजपैया, तू लोग का बुरा दिन चलत हो। हमने से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चलत हो। ता मनो सोचली कि सही है कहत हो। ता मनो एकरे चक्कर में आ गई ली। जब इन्हने के चक्कर में आ गई ली, हमने का जब बुरा दिन चलत रहल तो इन्हने हमने के सपना देखौलन कि तू लोग का अच्छा दिन आई। वोट दिया गया, अब तक अच्छा दिन आई गया। जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जात रहे, अब तक अच्छा दिन आ गया, अब तक 200-300 में होई का भाव 1,000। सरसों का तेल जब बुरा दिन रहल तब 50 रुपया किलो रहल, अब अच्छा दिन आ गया 200 रुपया हो गया। अरहर की दाल जब बुरा दिन रहल तब 55 रुपया रहल, अब अच्छा दिन आ गल तो 125 रुपया हो गई। जवन पेट्रोल 60 रुपया लीटर रहल, अब अच्छा दिन आ गल तो 100 पार हो गए। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, आज वो 97 रुपया हो गल, 100 पहुंचे ही वाला हो, 2-3 रन और पीछे हो शतक लगावल। जवन सलाई दिया, सलाई माचिस जौने के कहला 1 रुपया में मिले तो 2 रुपया में, जवन प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया में रहल 50 रुपया में। महंगाई के आलम इतना बा, आप बतावा महंगाई के लिए आयल है? महंगाई के लिए आयल? बोला महंगाई के लिए आयल बा? भाजपाई लोग कहला कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोला तुमन। आप बताओ साथी, कितने लोग महंगाई से त्रस्त हो, परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। इन बेईमानों को दिखाई नहीं देता मोतिया बिंद हुआ है। इनके नेता कहते महंगाई नहीं, घबराओ नहीं, 2022 में तुझे जमीन में ना दफना दिया तो असल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। आओ ये सोचा तुम कोई बोली न, तू खाली गुलाम बना के लेकर घुमाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर हम ऐसा ना घूमत है। आवा चला 22 में सरकार बनेगी। दिल्ली में बैठल रही है मोदी, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव रही है, प्रेमचंद प्रजापति रही है, बाबूराम पाल रही है, रामसागर बिंद रही है, अनिल चौहान रही है। यहां से हम अनु डप टप, वहां से बीच में हुई धरी धरा। बोला हुई कि ना हुई?
हम के कौन डर बा, चला महंगाई काम कर नहीं तो चल आओ। हम लोगों का प्रयास है उत्तर प्रदेश में जो टैक्स लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पे, उस टैक्स को बहाल करके महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये हम लोग चाहते हैं। तो बताओ महंगाई कितना जने कम करल चाहत हुआ चाहते या नहीं? मोदी जी योगी जी का बोलत हुन किसानन का धन दुगुना करत हुन। कैसे करत हुन? डाई जोन 50 किलो मिलत रहल, डाई जोन 50 किलो आवत रहल, ओमन से 5 किलो तक कम हो गल ना, और दाम बढ़ू गए, यह दुगुना है। एनपीके 263 रुपया बढ़ा देलन, किसानन का धन दुगुना करत हुन। अन्ना पशु बुंदेलखंड में रहलन, इलाहाबाद में यही असेंबली लिया देलन, पूरा प्रदेश में घूमत हुआ छुट्टा पशु, और किसानन का धन दुगुना करत हुन। करत हुन कि ना करत हुन? यही बदे घबरा मत योगी जी, तो है तैयार जाके मंदिर में घंटा बजावे के ये पता ना किसे तो है कुर्सी मिल गई है। ये सोचत हो कि कोई ना बोली सब डेरा था, अरे डेरा ये डेरा है वो डेरा है ओम प्रकाश राजभर हमन, प्रेमचंद प्रजापति बाबू राम पाल हमन, ये देश में हमने है तो हम हनो के हिस्सा मिले के चाहिए। हिस्सा का लड़ाई है, वहां गुलामी करे के ना है। हम लोग चाहत है देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक हो, तो शिक्षा भी एक समान होए के चाहिए कि न चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब भोजन दवाई कलम जूता मोजा टाई बैग कलम सारी व्यवस्था फ्री, गरीबों की शिक्षा स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए 22 में सरकार बनाना चाहता हूँ। माननीय ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओमप्रकाश राजभर। आप बताओ शिक्षा एक समान होए के चाहिए कि न होए के चाहिए? स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीबों को शिक्षा फ्री में होना चाहिए। एक कानून बनी, तीसर कानून का बनी, हम देखा जहां से विधायक थे गाजीपुर जहूराबाद, 4.5 साल में 6,24,00,000 रुपया, 6,24,00,000 रुपया हमने अपनी विधानसभा में गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया है, 6,24,00,000 रुपया। ये हम नहीं, विधानसभा के अंदर 18 महीने में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा सदन के अंदर कि 403 विधायकों में 3,62,77,000 रुपया देकर पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने इतिहास कायम किया है। 403 विधायकों में एक नंबर अपनी विधानसभा में इलाज के लिए दिया। अब आप बतावा आपको लोग वोट देके विधायक बनौले होगा, कोई के 5,000 रुपया दहलस दवाई बदे कोई दहले बा नहीं? ये दवाई हमने के कब दई है? चुनाव आ जाए तो दारू लेके आ जाइ, मुर्गा लेके आ जाइ, पैसा लेके आ जाइ, असली दवाई है। हम लोग उत्तर प्रदेश में कानून बनावल चाहते हैं, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता ईश्वर न करे कि बीमार हो, यदि बीमार होता है इलाज कराना हो ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज बिना पैसा में होगा। यह कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? 28 साल से आरक्षण मिले तो पिछड़ी जाति की, 79 जाति हो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में, ओकर लाभ खाली 12 जाति उठावत है। 28 साल से आरक्षण हो सरकार में, हमार झगड़ा मोदी योगी
अमित शाह से यही कर रहा कि 27% आरक्षण के बांट दा। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गई, 7, 9, 11 तीन भाग में बंट गया पिछड़ी जाति का आरक्षण। 2 साल 11 महीना हो गया, योगी जी मोदी जी के मोतिया बिंद भैल ना लौकता, आवा चला होटले में कौने गांव में चलबा, बंगाल में अगर खेला होवे तो उत्तर प्रदेश में अब खदेड़ा होवे, चला किधर कौने गांव में चलबा आवा, हम दिखाई ले तो हर फिर नहीं तो कायदे से 27% आरक्षण जवन बा मिले तो मन बंटवारा कर दा, जवन रिपोर्ट तैयार करो ले हूं ओम प्रकाश राजभर ओके लागू करा, नहीं तो हम तो 22 में सरकार बना के लागू करने की घोषणा करता हूं, साथी सरकार बनते ही इसको घोषणा कराऊंगा। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही, ठीक रही। आप बतावा जे करे घरे 5 परिवार में एक परिवार में 5 आदमी हूं और राशन कार्ड में 2 लोगों का नाम हो, तब बोला 5 लोगों का राशन मिली, बोला मिली ना मिली, 2 के मिली। आई मोदी जी योगी जी जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई है ना, इनका तो सदिये ना भइल बा योगी जी के, अब मोदी जी छोड़ दले बाइन, ई का पता भाई लोग के, यही बदे 1931 आजादी के पहले जातिवार जनगणना हुई थी, 90 साल हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यवस्था दिया संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये बेईमान सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों की गिनती नहीं कराते। आज अगर प्रजापति की बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर है, खाली 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रजापति समाज का वोट, 1 करोड़ से ज्यादा पाल का वोट, लेकिन गिनती नहीं, इसने तो गिनती नहीं कि कोई भाजपा का झंडा लेके घूमत था तो कोई हाथ सपा का लेके घूमत वाला, कोई बसपा का लेके, कोई कांग्रेस का, लेकिन धन्य है बाबूराम पाल, उन्होंने भी अपना झंडा बनाकर निकल पड़े, और धन्य है हमारे प्रेमचंद प्रजापति, इन्होंने भी अपना झंडा बना के कहा कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, अब झंडा बना के निकल लिए। अब यहां मीटिंग हो तो जे ना जानत पा कि केकर झंडा हो तो पूछी ना कि भैया कैसन झंडा नया लौका था, चलो तो कहिए भैया प्रजापति लोगन कहा, कहिए कि ना कहिए, अब प्रजापति लोग अपन झंडा खाली पकड़ ले, इतना हमरे प्रेमचंद जी हमार बतिया थे देरी में मनलन, जब मैं मिनिस्टर था तो इनसे कहा कि पार्टी बनाओ, कहे भाई रुक जाइए रुक जाइए, रुकत रुकत ही हाल हो गल, हमारी बात मान ली होते तो आज साथी बुला करके प्रेमचंद जी को 20 टिकट अखिलेश यादव बुला करके देते, चाहे कोई पार्टी देती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का झंडा दूसरे का डंडा ले लेके हिम्मत रली, गिनती ना रहल, लेकिन आज मुझे तो गर्व है कि 27 अक्टूबर को जब मऊ की धरती हलदरपुर में चाहे महेश प्रजापति हो चाहे प्रेमचंद प्रजापति हो चाहे बाबूराम पाल हो, जब मंच पे खड़ा होकर ललकार रहे थे, यही हमारे मीडिया के साथी पूरे देश में चैनल पे दिखाई दिया जा रहा था कि प्रेमचंद प्रजापति अखिलेश यादव के मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं कि हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी अधिकार कर निकले हैं, हमारी भी पार्टी है, ये हुआ ललकार रहे थे। अय्या मोदी के अनका होला, जितना कुल लोडर है, लोडर माने मजदूर, लोडर के का कहला, जितना मजदूर है ये लोडर भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठी हैं, दरी पर बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, कभी मोदी के सामने भाषण देने की औकात नहीं है, अगर औकात है मंच पे बैठने की झंडा लेके निकलने की तो प्रेमचंद प्रजापति बाबू रामपाल की हिम्मत है जो लेके निकल पड़ते हैं, लड़ाई तो वार पर, आप बतावा गिनती हम आने का ना, कौनो पार्टी से पूछा प्रजापति के कितना वोट, 1000 2000 जहां खड़ा है
सिराथू विधानसभा हो न 25,000 वोट यही है बोला हो कि ना राजबल हमने का गिनती है ना हो हमने का छोटकी बिरादरी में का हाल है पंडित जी पीठ सोरा दी है तो बस उनका गुलाम हो जाइए वो अपने खटिया पर बैठा ली है तो गुलाम हो जाइए वो अपने दुआरे बुला करके खाली पूछ लेन का हाल बा तो गुलाम हो जाइए अरे भैया अपन देखा 1700 थाना है 1700 थाने में हिस्सेदारी का है तोहर 826 ब्लॉक है 75 जिला और 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी कहा है यही बदे ओम प्रकाश राजभर कहते ही घबरा मत खम्मा तो हिलबे करी जब ले हुरल न जाई हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम लोग मिल करके सब लोग लड़ल न जाई तब तक हिस्सा न मिली तू सोचा कि उभर बाऊ प्रजापति बाऊ पाल बा उपासी बाऊ दुसाद बाऊ लोहार बाऊ गोण बा कुशवाहा बा पटेल बा यादव बा मैं तो चुनौती देता हूं जो जाति का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो हम उसको चुनौती देता हूं उसको 25 लाख रुपया इनाम दूंगा वो इंसान में जाति बता दे कोई खेत जोतवा दीजिए खाली होगल बधान खेत जोतवा के पाटा चला दीजिए कोई में पंडित जी बाबू साहब यादव जी पटेल जी या चौहान जी बिंद जी केवड़ जी मल्ला जी चमार जी राजभर जी सबको हिला दीजिए और निकाल दीजिए जो जाति को बहुत बड़ा ज्ञाता हो ओके ले जाके पूछा कि बताओ हेमन पंडित जी वाला कौन हो हेमन प्रजापति जी वाला कौन हो बोला कौनो बता सकलन और वही खेते में पाटा चला के हाथी घोड़ा ऊंट बकरी मुर्गी हिला दे निकाल दे तो बोला बता देवा कि ना बता देवा सब बता दे पेड़े में जाती बा महुआ का पेड़ बा आम का बा जामुन का बा गुलर का बा पीपर का बा इमन बा जानवर में जाती बा कि गाय बा भैंस बा बकरी बा इमन जाति गिनती बा लेकिन साथ ही इंसान में हम तो चुनौती देता हूं जो जाति में कहता जाति होती है हम पहले इंसान हैं उसके बाद तब हम हिंदू मुसलमान हैं बंद करो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये हमारे से का कह लेन हमने हिंदू खतरा में है हिंदू खतरा में है ये भाजपा वालों का कुर्सी खतरा में है हमारे खतरा में ना है अगर हिंदू खतरा में हो तो तोरे पल्ले मिलिट्री हो तोरे पल्ले पीएससी हो तोरे पल्ले पुलिस हो लगा दे कर जने के पीछे 55 जने के खतरे खत्म हो जाई खाली हिंदू है खतरे में हो मुसलमान के कोई खतरा नहीं सिख के कोई खतरा नहीं ईसाई बाइबल के कोई खतरा नहीं खाली खतरा हिंदू के हो हिंदू के अगर खतरा हो तो हिंदू में दो जाति हो एक बड़का एक छोटका एक बड़ा भाई एक छोटा भाई अब बड़ा भाई छोटका भाई का हिस्सा लूटा था बोला लूटा था कि ना लूटा था बड़का भाई छोटका भाई का हिस्सा लूटा था और छोटका भाई बर्दाश्त करत करत पानी नकुला के ऊपर अब गया तो कोई तो ना बोलल लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहा है आए बड़े भाई अगर मर्द हो अपने माँ बाप के पैदा हो अगर हमको भी हिंदू बनाते हो तो हमारा हिस्सा दो नहीं मेरी बस्ती में दिखाई मत देना अब बोला सही कहते गलत कहते इन्होंने सोचा तो कि क्या करी है कोई अरे घबरो मत हम तो दवाइया करा निकल ये भाजपा का लोग हमारे के समझावा तुमन इन्होंने क्या कहा तुमन भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये कहने के मुसलमान के देश से निकाल दे 7 साल हो गए दिल्ली में एक को मुसलमान निकल 4.5 साल के ऊपर यूपी हो गए एक को मुसलमान निकलन और का कैलन इन्हने भाजपाई नेता मुसलमान के बेटा से शादी कह लेलन प्रवीण तोगड़िया अपने बहन के शादी मुसलमान के बेटा से मुरली मनोहर जोशी लालकृष्ण आडवाणी मोहन भागवती सारे लोगों के परिवार में इनकी बेटियां चली गई मुसलमान के हैं ये रोटी बेटी का संबंध करते हैं हमको आपको भड़काते हैं कि मुसलमान खतरे में है अरे तुम खतरे में हो हम नहीं खतरे में हैं
तुम तो रोटी बेटी का संबंध फान लिया और हमको गुमराह करते हो कि हिंदू खतरे में। हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हमको घरेलू बिजली का बिल माफ कराना है, हमको गरीबों का इलाज फ्री में कराना है। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। आप बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितना लोगों के सही हो हाथ उठावा, जेके 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 सही है। ये लड़ाई सही लगत है ना? ये बगीचा बड़ा मजेदार दिखा था, हाँ ना? आमा लगाला 8-10 दिन में धान तक कटी जाए, 8-10 दिन में धान कटाई पिटाई हो जाए कि ना हो जाए? कितना लोग सहमत हुआ कि 10 दिन में काम निपट जाए, निपट जाए ना? तो हम चाहत थी यही मैदान में एक दैया चुटान हो जाए, खाली यही जिलवा का तीनों विधानसभा का, यही तीनों विधानसभा के यही बगीचा में जुटान हो जाए, गिनती हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बोला हो जाए कि ना हो जाए? कितना जने चाहता गिनती हो जाए? अब देखा हमरे योगेंद्र अर्कबंशी है, मन खड़ा हो जाए भाई, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करा। अभी आपके पता ना हो या पता हो, सुधीर अर्कबंशी यही कहीं हुई है, सुधीर अर्कबंशी जी देखा ये हमन 10,000 वोट नहीं कहा, यही विधानसभा लेकिन गिनती ना बा। नहीं के सुनील अर्कबंशी के जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए तब पत्रकार भाई पूछ ले कौन जाति है, हमके मर्दवा तू लोग रह लगा है, कहा नहीं कौन जाति है, हमके अर्कबंशी कहे कहां पावल जाना, हमके अब हम कहां बताए। मतलब ऐसी ऐसी विडंबना साथी देश में है। आज हम जहां खड़े हैं वहीं पाल की आबादी देख लो, यही कुशवाहा की आबादी देखो, पटेल की आबादी, ओठ हमारा राज उनका, ओठ हमारे के पल्ले बा, राज उनकर बा। यही बदे घबरा मत, खिदमा पारी मजा आई। ई हम चाहते बगीचा में अगर आप लोग तैयार हुआ तो 25 दिन बाद फिर यही कार्यक्रम करल जाए। अब देखिए यहां जो आप लोगों ने सहमति दिया है 25 तारीख बा 25 नवंबर कौन तारीख है जोर से बोला 25 नवंबर के यही बगीचा में मीटिंग हुई और एकर प्रचार सबके करे के हुई। बोला प्रचार करबा कि ना करबा? सबके घरे टेलीफोन हो, आप सबकी यहां बतावा ऐदवा पारी हम लोग मांगल जाएं गाड़ी फ्री में। अरे यादव जी से समझौता है, भलबा ले लगाड़ी हम दिया भबड़ा, पटेल जी से समझौता बहु नौ से ले ला, कुशवाहा जी से ले ला, जे करे पल्ले गाड़ी हम दिया दे। हमार मन है दो पर ये बगीचा में एक जोरदार कार्यक्रम हो और अपनी ताकत की पहचान हो। अब बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? तब 25 तारीख फाइनल हो भाई। सुमित कुमार प्रजापति जी जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि नेताजी हम आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, आज अपनी पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित करते हैं। जोरदार ताली बजा करके प्रधान जी का स्वागत करिए। ता देखा भाई 25 तारीख के यहां जितना कुर्सी लगी, ज्यादा नहीं है 5,000 कुर्सी लगी या जवन लगा कुर्सी या बंद बनवा देवल जाए लहाजुहा के, ठीक है? आप लोगों के प्रचार करके यहां भीड़ लिया के। तारीख कौन बा? 25 नवंबर। 25 नवंबर के हम आपके दिखाई यही धरती पर। उस दिन आप कहोगे कि अब उत्तर प्रदेश में जो सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में अब सरकार बन जाएगी, भाजपा की विदाई अब तय कर देगा ओम प्रकाश राजभर इसी मैदान में। बहुत अहंकार बाहिया लोगन के, इन्हने हमने के धर्म के चक्कर में वोट लेके अपन काम करत हुन। यही बदे आपसे सावधान, मोदी जी दुनिया में एक नंबर का अगर झूठा कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था?
रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। ये वही मोदी है जो कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। इस नाते साथियों याद रख लेना, भारत का जो संविधान, जो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का योगदान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बदौलत जो संविधान हमको मिला है, उस संविधान को बचाना है और देश की संबंधित संपत्ति बिकने से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तभी हमारी संपत्ति, हमारा संविधान बचेगा।